वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू टेल अबाउट हाउ टू राइट इंग्लिश पैराग्राफ ऑन सेव टाइगर। सेव टाइगर पे दोस्तों, बाघ को बचाओ पे हम आज आपको बता रहे हैं इंग्लिश में आप कैसे पैराग्राफ राइट करेंगे, और बिल्कुल ईजी एंड शॉर्ट में बता रहे हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइगर इज ए स्पाइसेस ऑफ कैट। बाघ जो है बिल्ली की प्रजाति का जीव होता है। टाइगर इज ए स्पाइसेस ऑफ कैट। टाइगर इज द नेशनल एनिमल। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है और यह हमारे देश की शान है। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एनिमल में होता है दोस्तों राष्ट्रीय पशु। एंड इट इज़ द प्राइड, ये हमारी शान है। प्राइड मिस होता है दोस्तों शान, ये हमारे देश की शान है। एंड इट इज़ द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। स्पाइसेस मिस होता है दोस्तों प्रजाति, और टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया एंड इट इज़ द प्राइड ऑफ आवर कंट्री, यह हमारे देश की शान है। इट इज़ अ कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन द प्रे ऑफ अदर। यह एक मांसाहारी जानवर है जो अपने भोजन के लिए अन्य वन्य जीवों के शिकार पर निर्भर होता है। इट इज़ अ कार्निवोरस एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन द प्रे ऑफ अदर एनिमल फॉर इट्स फूड। यह जो है एक मांसाहारी जानवर है जो अपने भोजन के लिए अन्य वन्य जीवों के शिकार पर निर्भर होता है। ग्रेजुअली द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इज डिक्रीजिंग। धीरे धीरे समय के साथ भारत में बाघों की संख्या कम होती जा रही है, प्रजाति लुप्त होती जा रही है। ग्रेजुअली द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इज डिक्रीजिंग विद टाइम। द स्पाइसेस इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट। जो है धीरे धीरे समय के साथ भारत में बाघों की संख्या कम होती जा रही है और प्रजाति लुप्त होती जा रही है। ग्रेजुअली द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इज डिक्रीजिंग विद टाइम। द स्पाइसेस आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। यह सब उनके रहने के वातावरण में छेड़छाड़ के कारण हुआ है। ऑल दिस हैज हैपेंड ड्यू टू टेम्परिंग इन देयर लिविंग एनवायरमेंट। यह सब उनके जो रहने के वातावरण में छेड़छाड़ के कारण हुआ है। ऑल दिस हैज हैपेंड ड्यू टू टेम्परिंग इन देयर लिविंग एनवायरमेंट। इफ वी कीप टैम्परिंग, हमें बाघों को सुरक्षित कर उनके जीवन को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इफ़ वी कीप टैम्परिंग विद देयर हैबिटेट टाइगर्स विल जस्ट डिसअपीयर एंड वी विल लॉस आवर नेशनल एनिमल। इफ वी कीप टैम्परिंग विद देयर हैबिटेट टाइगर विल जस्ट डिसअपीयर एंड वी विल लॉस आवर नेशनल एनिमल। अगर हम उनके आवास से छेड़छाड़ करते रहेंगे तो बाघ ऐसे ही लुप्त हो जाएंगे और हम अपने राष्ट्रीय पशु को खो देंगे। वी विल लॉस आवर नेशनल एनिमल। उसके दोस्तों आएगा नेक्स्ट पैराग्राफ, वी नीड टू सेव टाइगर्स एंड सेव देयर लाइव्स। हमें बाघों को सुरक्षित कर उनके जीवन को संरक्षित करने की आवश्यकता है। वी नीड टू सेव टाइगर्स एंड सेव देयर लाइव्स। हमें बाघों को सुरक्षित कर उनके जीवन को संरक्षित करने की आवश्यकता है। द बिगेस्ट रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ टाइगर्स। बाघों की संख्या में गिरावट का सबसे बड़ा कारण उनका शिकार किया जाना है। द बिगेस्ट रीजन जो
सबसे बड़ा कारण है, द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ टाइगर्स इन देयर हंटिंग, हंटिंग में सुधर शिकार करना। बाघों की संख्या में गिरावट का सबसे बड़ा कारण उनका शिकार किया जाना है। पीपुल हंट दैम एंड सेल देयर, लोग उनका शिकार करके उनकी बेशकीमती खाल को बेचते हैं। पीपुल हंट दैम एंड सेल देयर वैल्यूएबल स्किन्स, उनके बेशकीमती खाल को बेचते हैं। बाघ को बचाने के लिए हमें जंगल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि यदि उन्हें रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। टू सेव टाइगर्स वी शुड नॉट कट द फॉरेस्ट, बिकॉज इफ दे डू नॉट गेट अ फेवरेबल एनवायरमेंट, टू लिव दे विल डाई। बाघों को बचाने के लिए हमें जंगल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि यदि उन्हें रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। टू सेव टाइगर्स वी शुड नॉट कट द फॉरेस्ट, बिकॉज इफ दे डू नॉट गेट अ फेवरेबल एनवायरमेंट टू लाइव दे विल डाई। द गवर्नमेंट हैज़ मेड मेनी एफर्ट्स, सरकार ने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसके अंदर उनके लिए कृत्रिम वातावरण बनाए गए हैं जिससे वो अच्छे से अच्छे जीवित रह सकते हैं। टू द गवर्नमेंट हैज़ मेड मेनी एफर्ट्स फॉर दिस, इन विच आर्टिफिशियल एनवायरमेंट आर्टिफिशियल एनवायरमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर दैम, सो दैट दे कैन सर्वाइव वेल। सरकार ने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मेड मेनी एफर्ट्स फॉर दिस, इन विच आर्टिफिशियल एनवायरमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर दैम सो दैट दे कैन सर्वाइव वेल। देयरफॉर फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, इसलिए बाघों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए सरकार ने बाघ के शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया है। देयरफॉर इसलिए फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, उनके सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए, फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स, बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बैंड, सरकार ने बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगाया है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बैंड टाइगर हंटिंग। इट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, बाघ को जीवित रहना प्रकृति के लिए भी बहुत आवश्यक है, इसलिए बाघ संरक्षण पर हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर नेचर, फॉर टाइगर टू सर्वाइव। इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर नेचर, फॉर टाइगर टू सर्वाइव। दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इसलिए हमें बाघ संरक्षण पर हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू पे अटेंशन टू टाइगर कंजर्वेशन। तो दोस्तों, ये था सेव टाइगर पे इंग्लिश पैराग्राफ राइटिंग।